हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत हेल्दी। इसमें ना तो हम किसी प्रकार कोई ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी मैदे का। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी लिया है। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। 2 कप सूजी लेने के बाद यहाँ पर हम 1 कप फ्रेश दही लेंगे। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि दही हमारी फ्रेश होनी चाहिए। ये सारे इन्ग्रीडियंट को मिला के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और जब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। हम इसका बैटर जैसा इडली का बैटर तैयार करते हैं वैसा ही बैटर तैयार करना है। और जब इस तरह का बैटर हमारा रेडी हो जाएगा तो हम इसे रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे और हम अपने धनिया पत्ते की तैयारी करने लगेंगे। धनिया पत्ता की तैयारी करने के लिए मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता लिया है, 2 हरी मिर्चा, टमाटर और लहसुन की कुछ कलियाँ लिया है। और इसमें आवश्यकता अनुसार नमक डालकर मैंने इसे इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सबको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और इसमें मैंने कुछ बूंद नींबू के ऐड करके हमारी चटनी तैयार हो गई है। यहाँ पर हम सैंडविच के स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉयल आलू लिया है। इस आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। जब हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे ना, तो इसी टाइम पर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पर सॉल्ट ऐड करने से यहाँ पर अच्छे से मिल जाते हैं और वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसमें कभी कभी मसाले में डालने पर ना कभी कभी मिक्स नहीं हो पाते, इसका मैं यहीं पर आलू में सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब हमारा ये आलू मिक्स हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसके मसाले की कुछ तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, अनियन और ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है और कुछ धनिया पत्ते को। जब ये सब चॉप करने के बाद एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसमें मैंने खड़ा धनिया को कूट कर डाल दिया है। जब वो अच्छे से चटक गया तो मैंने इसमें प्याज जो चॉप करके रखा था ना उसे डाल दिया है। जब हमारा प्याज थोड़ा सा गल जाएगा तब हम इसमें और भी जो हमने मसाले चॉप करके रखे थे, टमाटर और मिर्चा, ये सब को भी डाल देंगे और इसे भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारा चीज़ डाल दिया और इसे थोड़ा देर भूनेंगे तो हमारा मसाला अच्छे से ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। तब इसमें हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर बस हम हल्दी पाउडर ही ऐड करेंगे, क्योंकि मिर्चा तो मैंने इसमें पहले ही हरी मिर्ची डाल चुकी है, इसका मुझे ज़्यादा तीखा इसे नहीं बनाना है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक छोटी वाली स्पून से 1.5 स्पून इसमें अमचूर पाउडर ऐड किया है। आप इसे डालना चाहे तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है। तो इसी टाइम पर हम इसमें पोटैटो को ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने मैश करके रखा था। और इसे अच्छे से बनाकर देखिए, हमारा पोटैटो भी मिक्स हो गया है। यहाँ पर हम स्टीम करने के लिए एक पतीला में पानी चढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 गिलास पानी लिया है और इसे स्टैंड डाल के यहाँ पर स्टीम करने के लिए इसे गैस ऑन करके चढ़ा दूँगी। और जब तक ये हमारा गर्म होगा तब तक हम लोगों ने जो सूजी का बैटर तैयार करके रखा था ना उसे देख लेंगे। जहाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा हो गया था, मैं यहाँ अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और इसे पानी ऐड करने के बाद हम इसे 2 भाग में स्प्लिट कर लेंगे। आधा बैटर अलग कर लेंगे और आधा बैटर अलग कर लेंगे। और इस बैटर को अलग करने के बाद इसमें मैं इनो ऐड करूँगी। इनो हम 1/2 स्पून से थोड़ा कम ही ऐड करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा तैयार हो गया है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम एक केक टिन लेंगे और इसमें ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ऑयल अच्छे से ग्रीस करने के बाद ये जो बैटर हमने बना कर रेडी किया था ना, इसे उसमें पोर कर देंगे। और अच्छे से पोर करने के बाद हम इसे 2-3 बार टैप कर देंगे। टैप इसलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पर जो इसमें एयर बबल्स होंगे ना वो उससे निकल जाएंगे और उसे हम लोगों ने जो स्टीम करने के लिए पानी चढ़ाए थे ना उसमें डाल देंगे। और 15 मिनट के लिए इसे ढक कर छोड़ देना है। और 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ढक के छोड़ना है। और जब आप 15 मिनट बाद उसे ओपन करेंगे ना, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। और मैं आपको जैसा कि दिखाती हूँ कि देखिए, हमारे फिंगर में भी कोई बैटर नहीं लग रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टीम हो गया। तो इसे हम बहुत सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे निकाल के हम साइड कर लेंगे। और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम लोगों ने जो ये आलू की स्टफिंग बनाई थी ना, इसे अच्छे से इसी बैटर के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। इसे अच्छे से चारों तरफ अच्छा सा लेयर बना के इवेनली तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। जिस तरह हम लोग सैंडविच में अंदर में फिल करते हैं ना, उसी तरह हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। और जब ये सारा बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो हम लोगों ने जो आधा बैटर जो रखा था ना, उसको हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। मगर उसमें उसको इसके ऊपर डालने से पहले
हम इसमें थोड़ा सा इनो ऐड करेंगे, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा ही इनो ऐड करूँ, चुटकी भर यहाँ पर इनो ऐड कर लेंगे। और जब इनो ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके इसे इस ये जो हम लोगों ने इसका स्टफिंग बनाया ना इसके ऊपर इसे डाल देंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये अच्छे से चारों तरफ इवेनली तरीके से फैल जाए। और जब फैलने के बाद इसे हम अच्छे से टैप टैप कर देंगे क्योंकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाए। और वो जो हम लोगों ने स्टीम करने के लिए वाटर चढ़ाया ना, इसे फिर से उसे स्टीमर में डाल के हम फिर से 20 मिनट के लिए इसे स्टीम करने के लिए ढक कर रख देंगे। मगर यहाँ पर फ्लेम एकदम हमें लो रखना है, हाई फ्लेम पर इसे स्टीम नहीं करना है और इसे बिल्कुल ढक कर छोड़ देना है, इसे बीच में ओपन भी नहीं करना है। और जब हम 20 मिनट बाद इसे ओपन करके देखते हैं तो देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टीम हो चुका है और यहाँ पर हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम इसे बर्तन से निकाल के इसे साइड कर लेंगे जिससे हमारा जो हम लोग ने ये सैंडविच बनाया है ना वो थोड़ी ठंडी हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे बर्तन से निकाल के एकदम साइड कर ले रही हूँ और जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जैसा कि आप देखते हैं कि आप इसे नाइफ से चारों तरफ से ऐसे हल्का हल्का लगा के आप जब इसे पलट के 2 से 3 बार अगर उसे टैप कीजिएगा ना तो ये अच्छे से बाहर निकल आएगा, आराम से बहुत इजी तरीके से बाहर आ जाएगा। देखिए मैं 2 से 3 बार टैप की, ये बहुत अच्छे से बाहर आ गया। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा से ये तैयार हो चुका है और ये और अच्छे से स्टीम भी हो गया है। और मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि दोनों तरफ से ये हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है और स्टफिंग भी बहुत अच्छे से परफेक्टली इसमें चारों तरफ स्प्रेड है। और जब ये हमारा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जिस शेप में कट करना चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में जिस तरीके से आप कट करना चाहें उसे कट कर सकते हैं। और मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से स्टीम हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से स्टीम हो चुका है। जब ये स्टीम हो जाएगा तो हम एक तवा चलाएंगे और इसमें हम इसे अपने सैंडविच की तरह इसे सेक लेंगे। मैंने यहाँ तवे पे अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दिया है और इसमें मैंने तिल डाले, वाइट वाले तिल डाले हैं। अगर आप तिल ना डालना चाहते इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड है। उसके बाद जिस तरह हम लोग सैंडविच को सेकते हैं ना आप उस तरह इसे अच्छे से इसे हम सेक सकते हैं। आप इसे चाहे तो ग्रिल में भी सेक सकते हैं। इसे हम अच्छे से दोनों तरफ अल्टी पल्टी करके हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे जिससे वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी सा तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे हाथ से ही पलट के इसे अलट पलट करके दोनों तरफ से सेक ले रही हूँ। और इस तरह हमारा सारा जो हम लोग ने सैंडविच तैयार किया था ना बना के, इस तरह से सारा सिक के तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सैंडविच बन के तैयार हो गया और ये लग भी नहीं रहा है कि ब्रेड का नहीं है। आप मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस तरह बना के देखें, आप ब्रेड वाली सैंडविच खाना भूल जाओगे। ये बहुत स्वाद और बहुत टेस्टी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, थैंक यू।